हेलो एवरीवन, मैं नितिन रीना ऑफिशियल, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस तो गाइस, ये सुबह हो चुकी है और उसके बाद शिवांश का जो मैं बैग जो है सही कर रही हूँ। सुबह मैंने पूजा पूजा कर चुकी हूँ गाइस। तो मेरे यहाँ आंटी आ गई है खाना बनाने के लिए। आज मेरे यहाँ खाने में जो है, खाने में छोला चावल रोटी बन रहा है, जो कि मैं अभी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए गाइस, मैं शिवांश की कॉपी सही कर रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों का लंच, आज मैं शिवांश के लिए लंच जो है साबूदाने की टिक्की बनाई थी। तो उसको गरम गरम ही अच्छा लगता है, इसके ऊपर सारा पेस्ट सब कुछ मैं तैयार करके रख दी थी। तो आंटी से भी गरम गरम तलवा लूँगी, क्योंकि क्या होता है गाइस, अगर सुबह सुबह उसको जो है मतलब तल के रख देंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। बच्चे हैं, लंच करेंगे दोपहर में तो थोड़ा गर्म भी रहेगा। तो गाइस ये देखिए, हमने शिवांश की बॉक्स रख दी हूँ, शिवांश सो रहा है, अब उसको उठाने की कोशिश करें। मेरा पूजा पाठ हो चुका है, मैं ज़रूर एक दिन आप लोग के लिए पूजा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो गाइस देखिए, शिवांश सो रहा है, ये देखिए आप लोग, अभी सो रहा, अभी इसके इनके पापा उठाएंगे तो उठ जाएंगे। उठाते हैं, मुझसे तो उठता ही नहीं, कहता आप जाओ यहाँ से, मैं आपसे नहीं उठूँगा। तो बच्चों का होता है ना, कोई कोई बच्चे होते हैं माँ से ज़्यादा वो रहते हैं, कोई कोई बच्चे पापा से। तो सुबह सुबह बच्चों को उठना मन नहीं करता है ना, वो सोते हैं, हम सोते ही रहें, ख़ास तौर पर उठाओ तो और नहीं उठेंगे। ये देखिए गाइस, शिवांश का जो है बैग सारा कर दिए हैं, अब इनका जो है बस कॉपी रखना है। तो कॉपी रख रही हूँ मैं जो है, बच्चों का सब निकालने के बाद क्या होता है गाइस ना, उनकी कॉपी रखना चीज़ जो है सारा चीज़, सुबह सुबह सारा काम रहता, क्योंकि मैं इस कमरे में झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे आंटी जी कमरे के ही बाद जो है खाना बनता है। मैं दो कमरे में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, बाकी जो है आंटी जी जब चली जाती हैं तो झाड़ू पोछा करती हूँ। तो गाइस ये देखिए, मेरे यहाँ आज जो है छोला चावल रोटी बन रही है, तो मेरे यहाँ आंटी आई है बनाने के लिए। ये देखिए आंचल जो है आटा गूँथ रही है। आंटी मसाला दिखाइए अपना ज़रा। ये देखिए गाइस, आज मेरे यहाँ छोला बन रहा है, जो मसाला पक रहा है बहुत ही अच्छा मसाला आंटी जी भूनती हैं, छोला भी बहुत अच्छा बनाती हैं। एक तरफ जो है चना हो रहा है, चढ़ा दी हैं, और दूसरी तरफ जो है आंचल ये देखिए आंचल जो है आटा गूँथ रही हैं। तो गाइस जो है सुबह सुबह जो है सुबह जैसा लगता है आंचल को नींद, क्योंकि सुबह सुबह सबको ही नींद लगती है ना। तो आंटी ये हाई कर रही हैं, तो फिर उसके बाद जो है अभी हम आप लोग के साथ जो शेयर करेंगे छोला जो है आंटी कैसे बना, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्टी छोला बनाती हैं इनके यहाँ से। मेरे यहाँ टिफिन में डेली चेंज होता रहता है गाइस, क्या है कि मतलब डेली मतलब नया नया आइटम जो है, कभी दाल चावल रोटी सब्जी, कभी राजमा चावल रोटी, ऐसे ही दिया। कभी मैं इसके लिए ब्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस ये देखिए, मसाला भून रही हैं, आटा गूँथ रही हैं, और उसके बाद जो है मैं शिवांश की कॉपी रख दे रही हूँ कॉपी, क्योंकि सुबह सुबह शिवांश को जो है मतलब इन्हीं से उठते हैं। इनकी कॉपी रखने के बाद तब इनका लंच अभी पैक करूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद जो है सबसे पहले इनका सन को तैयार कर देती हूँ, नहलाती हूँ, और उसके बाद जो है मतलब। तो गाइस ये देखिए, आप लोग भी मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए, ब्लॉग में जुड़े रहिए, उसके बाद इन्जॉय करिए, मैं भी आपके साथ इन्जॉय करूँगी। तो गाइस क्या होता है, बच्चों का जो है कॉपी जो है मतलब सारा चीज़ रात में तो कर देते हैं, फिर उसके बाद सुबह सुबह इनका रखना रहता। ये देखिए हमने इनके बॉक्स में सारे रख दिए, क्योंकि सुबह में बच्चों का यूनिफॉर्म रात में ही प्रेस कर देती हूँ। इनके पापा जो है कर दिए थे, बोले कि तुम जो है सब शिवांश का अपना सामान रख दिया करो, फिर उसके बाद जो है शिवांश चला जाता है। तो ये होता है कि जल्दी जल्दी काम कर लें, लेकिन बस होता क्या है बस कि बच्चे जब चले जाते हैं तो अगर काम करो तो काम भी जल्दी हो जाता है, फिर अपने हिसाब से सब कुछ सेट रहता है। इसलिए मेरा बेटा जब स्कूल चला जाता है तभी मैं सारा काम करती हूँ, बाकी जो है मतलब आंटी बनाती हैं खाना, फिर उसके बाद से सारा कमरा जो है मतलब साफ सुफ कर देती हूँ, फिर आते हैं शिवांश स्कूल से। देखिए गाइस, शिवांश सो रहे हैं और इनके ये जो है उठाने की कोशिश कर रही, मेरे हस्बैंड हैं। ये देखिए मेरे बेटा जो है सो रहा, सोने की कोशिश में लगा। तो गाइस आप लोग भी मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहिए और जो है मतलब ब्लॉग मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरा टिफिन का बिजनेस है, मेरे यहाँ पे जो है डेली क्या बनता है, इस डेली क्या बनता है अपने यहाँ खाने में, हर दिन चेंज रहता है। हाँ आज क्या क्या, आज छोला चावल रोटी है, मेरे यहाँ दिन वाइज चेंज रहता है गाइस। तो जो है देखिए, मेरा बेटा उठने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उठते हैं, मम्मा अभी नहीं उठेंगे, अभी तो मुझे नींद लग रही है। तो गाइस देखिए जो है मतलब इनका बॉटल मैं सही कर दूं। तो ब्लॉग को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए, क्योंकि ब्लॉग को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, इतना ब्लॉग पूरा देखे ही मज़ा ही नहीं आएगा कि ब्लॉग में है क्या। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को जो है नए अगर हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए गाइस जो है मतलब शिवांश को भी मैं रेडी करके तब आप लोग के साथ जो है मतलब मिलती हूँ, फिर उसके बाद ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो गाइस जानते हैं मेरा बेटा क्या कहता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे यूट्यूब पे उसमें नहीं आएंगे जो है बोलने के लिए, और अपना मोबाइल ले लेंगे, बोलेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरे मम्मा हैं, ये मेरे पापा हैं, वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन शिवांश हेलो करो बेटा, हेलो करो,
ये देखिए सोने की उठने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये जो है। बाबू हेलो करो, हेलो नहीं करोगे बाबू? इधर देखिए आप, अभी आप सोने की कोशिश कर रहे हो, आपको उठना है ना, स्कूल जाना है, तो ऐसे ही लेटे रहेंगे उठने के लिए, मतलब कोशिश करेंगे उठ जाएंगे। ये बाबू इधर देखिए। तो गाइस जो है आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए, इसको उठाते हैं तो उठता ही नहीं सुबह सुबह। आंटी छोला क्या हुआ, चना हो गया? तो आंटी अब बनाएंगी जो है, मसाला भून रही, मसाला बहुत ही अच्छे, जितना अच्छा मसाला भूनो, छोला मसाला डाली है। हाँ तो आंटी अब चल रही है छोला बनाने। अब उसके बाद चावल देखिए गाइस, मेरे यहाँ क्या होता है, मेरे यहाँ चावल भिगो दिया जाता है। चावल भिगोने से क्या होता है, सॉफ्ट बनता है और चावल बहुत ही अच्छा बनता है। तो मेरे यहाँ आंटी जो है हमेशा, जब जब से मेरे यहाँ टिफिन का बिजनेस स्टार्ट है, तो मेरी यहाँ आंटी क्या करती हैं, आती हैं तो चावल पहले 5-10 मिनट पहले आंचल भिगो देती हैं, फिर उसके बाद तब चढ़ता है चावल। क्योंकि इससे क्या, आप लोग भी बनाइएगा चावल भिगो के, तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और अच्छा बनता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। और एक चीज़ और आपको बताएं कि मेरे यहाँ हम लोग एक एक रोटी सेकते हैं, मेरे यहाँ आंटी क्या करती हैं, तावे पे 4-4 5-5 रोटी सेकती हैं। और ये चीज़ मैं आंटी से सीखी हूँ, क्योंकि आंचल भी पहले नहीं सेक पाती थी, अब सेकना ये भी स्टार्ट कर दी है, हमको भी नहीं आता था। आंटी देखते देखते फिर उसके बाद हम लोग को भी आने लगा जो है। तो ये देखिए जो है उसके बाद अब चल, धनिया काटी हुआ, चल थोड़ा सा धनिया ले लो, कट लो, हाँ धनिया ले लो, धुल के काट लो। तो मसाला क्या है जो है, मतलब गाइस जितना आप भूनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा जो है छोला, और अगर आप मसाला आपका भुना रहेगा तो छोला और टेस्टी लगता है। तो मेरे यहाँ आंटी इसी तरीके से बनाती हैं, डेली मेरे यहाँ खाना चेंज रहता है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ क्यों ना ब्लॉग शेयर करें। ये देखिए मसाला भुना जाए, आप मेरे यहाँ सामान देख रहे होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बट होता क्या है ना कि अभी सुबह हम किचन समेटे थे, फिर उसके बाद जो है सीमांश के लिए बता रहे हैं कि साबुदानी की टिक्की वही रहेगी लंच में, अभी 7:30 तक उसके लिए हम आंटी से बनवा लेंगे, क्योंकि ठंडा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए अब छोला बनाने जा रही है, अभी आप लोग के साथ जो है मतलब रेसिपी, क्या रेसिपी, तो छोलों में मतलब ये डाली है राजेश मसाला, राजेश मसाला बहुत ही अच्छा, राजेश मसाला डाली है, उसके बाद जो है मतलब लाल मिर्च पाउडर डाली है, और उसके बाद जो है मतलब ये लहसुन प्याज का पेस्ट तैयार कर ली थी, फिर उसमें जो है लौंग इलायची सारा डाली है, मतलब मसाले में जो पड़ता है छोले मसाले में बहुत ही अच्छे से तेज पत्ता डाल चुकी हैं। अब देखिए सीटी निकाल लेंगे गाइस, तो अभी हमारे यहाँ छोला बनेगा, छोला चावल रोटी, उसके साथ सलाद भी लगाया जाता है। तो मेरे यहाँ टिफिन जो खाते हैं बहुत लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बट क्या होता है मेरे यहाँ क्वालिटी भी अच्छी रहती, क्वांटिटी भी अच्छी रहती। तो गाइस मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए, ब्लॉग को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए जो है देखिए गाइस। तो मेरे यहाँ आंटी हैं आंचल हैं, आंचल का पेपर होने वाला है 25 से, होगा भी 25 अप्रैल से, क्योंकि अब सबका पेपर ना आ गया है टाइम, तो इनका भी पेपर आ गया है। तो गाइस ये देखिए आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडा है, और उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज का मौसम क्या है ऐसा लग रहा है जैसे मन कर रहा है सुबह सुबह उठो, बस सुबह थोड़ा बहुत टहलना चाहिए। मेरा झाड़ू पोछा क्या मेरे यहाँ पोर्च में पोर्च धुल दिया गया, आपको एक दिन होम टूर ब्लॉग करवाऊँगी, इसके लिए मैं ब्लॉग बनाऊँगी अलग से। तो गाइस ये देखिए मेरे यहाँ जो है मतलब बट हाई ये ब्लॉग जो है, आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि आप लोग के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉग पुनः जल्दी करते हुए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए मेरे बेटे जो है रेडी हो चुका है। तो अब चलिए गाइस, हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को लाइक करना, हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि छोला कैसा बना था। छोला तो मैं दिखा ही चुकी हूँ कि आंटी भून रही मसाला, बस उसमें छोला डाल के चना डाल के सीटी लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आप लोग मेरे ब्लॉग को जो है मतलब शेयर जितना हो सके करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।